हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है मुख्यमंत्री लाड़ी बहना योजना के अंतर्गत जो आपको आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है या जो आपका आवेदन फॉर्म भरना पड़ता है वो आप किस प्रकार भर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से बिना कोई गलती के। अगर आप कुछ भी गलती करते हैं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। आपको आवेदन किस प्रकार भरना है आपको फुल डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू मैंने वाले बेल को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको एक फॉर्म प्रिंट करा लेना है। जो भी आपको फॉर्म चाहिए भरना है तो आपको फॉर्म तो मिलेगा ही पंचायत से या जनपद पंचायत से आपके वार्ड के जो वार्ड प्रभारी हैं उनके द्वारा। यहाँ पर आप जहाँ ऑनलाइन आवेदन करने जाएंगे वहाँ आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। तो इसको किस प्रकार भरना है चलिए आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर देख सकते हैं क्या करना है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये फॉर्म है आपका। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है आवेदन क्या की समग्र आईडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जो 9 अंकों की आईडी होती है, इन अंकों में 9 अंकों की जो सदस्य आईडी होती है वो यहाँ पर फिलअप करनी है। जो भी आपकी महिला है जिसकी आप महिला का करना चाहते हैं यहाँ पे आपको वो सदस्य आईडी फिलअप करनी है और यहाँ पर महिला का आधार नंबर फिलअप करना है। और यहाँ पे आपको आवेदिका का नाम फुल नेम लिखना है, जिस प्रकार आधार कार्ड में दिया हुआ है उसी प्रकार लिखना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आवेदिका का पति का नाम, तो यहाँ पर विवाहित होना जरूरी है तो पति तो होगा ही, अगर पति नहीं है तो पिता का उस स्थिति में भर सकते हैं। जैसे मैं विधवा वगैरह है तो उनको पेंशन मिल रही होगी तो उस स्थिति में आप यहाँ पर पिता का नाम भर सकते हैं। इसके अलावा जन्मतिथि, जन्म दिनांक यहाँ पर महीना यहाँ पर सन लिख देना है, तो यहाँ पर जन्मतिथि आपको इस प्रकार भर देनी है। इसके बाद आवेदिका का पता, तो यहाँ पर पता में उसका गली नंबर मकान नंबर जो भी है वो, यहाँ पर ग्राम है तो ग्राम, शहर है तो वार्ड है तो वो, यहाँ पर जिला और यहाँ पर पिन कोड डाल देना है आपको। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है चलिए मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इसके बाद आपको सिंपली फॉर्म को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसको क्या करना है आप देख सकते हैं। आवेदिका का मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको उसका मोबाइल नंबर भर देना जो कि समग्र आईडी से लिंक है और आधार कार्ड से लिंक है, वो वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे भर देना है। उसके बाद वर्ग सेलेक्ट करना है, सामान्य है, अनुसूचित जनजाति से है, अनुसूचित जनजाति से है या अन्य पिछड़ा वर्ग से, जो भी है वो यहाँ पर भर देना है। इसके बाद शासन द्वारा कोई पेंशन था जैसे विधवा पेंशन, अशक्त पेंशन, जो विकलांग पेंशन है वो लेते हैं तो वहाँ या नहीं, इसमें आपको टिक कर देना है। इसके बाद विवाहित की स्थिति आपको बताना है, विवाहित है, तलाकशुदा, विधवा है, परिपक्व है, इसमें आपको भर देना है। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ घोषणा दी हुई हैं, मेरे परिवार की 2.5 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, कोई भी परिवार में आयकरदाता नहीं होना चाहिए और यहाँ पर कोई भी चार पहिया वाहन ट्रैक्टर वगैरह उसके इस परिवार के नाम से नहीं होना चाहिए, 5 एकड़ से कम भूमि होनी चाहिए और यहाँ पर जो है कोई भी आयकरदाता या कोई भी सरकारी या कुछ भी संविदा कर्मचारी नहीं होना चाहिए। दिन पर आपको सभी को सही का टिक लगा देना है, सभी जितने भी दिए हुए हैं। और इसके बाद आपको नीचे यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आवेदिका के साइन होने हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पे साइन होने के बाद यहाँ पर ये जो है सचिव या सरपंच द्वारा, ये सचिव या सरपंच द्वारा भरे जाएगा का नंबर का, यहाँ पर ऑनलाइन पंजीयन क्रमांक, यहाँ पर वो डेट जो इस दिन आपने बुक किया है ऑनलाइन, यहाँ पर आवेदिका का नाम और यहाँ पर पति का या पिता का नाम यहाँ पर टिक करना है दोनों में, अगर आपका आधार कार्ड DBT इनेबल है और आधार कार्ड से लिंक है तो। तो इस प्रकार आप आसानी से अपना ऑनलाइन फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक सेंड कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।